फर्जी शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और प्रशासन भी इन शिकायतों पर अमल करना नहीं रोक रहा है। NDMC में पिछले कई महीनों से ईमेल के माध्यम से फर्जी शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रशासन भी इन ईमेल द्वारा भेजी जा रही शिकायतों पर लगातार जांच कर रहा है। लेकिन जो लोग गुप्त रूप से ईमेल बना बना कर शिकायतें कर रहे हैं, ना तो उन पर गौर किया जा रहा है और ना ही उनके तथ्यों को जानने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया जा रहा है, जिसके कारण NDMC के कर्मचारी लगातार जांच करने जाते हैं और जांच के दौरान ऐसा कुछ भी पाया नहीं जाता जो भेजी गई ईमेल की शिकायत में लिखा होता है। जिनके खिलाफ ये शिकायतें भेजी जाती हैं, वो सब भी हैरान और परेशान रहते हैं। इन्हीं परेशानियों के चलते दो व्यवसायियों ने इन ईमेल की कनॉट पैलेस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच चल रही है और कुछ नाम सामने भी आ चुके हैं जिनका खुलासा शीघ्र ही किया जाएगा। लेकिन ईमेल करने वाले लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला जारी रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि शिकायत करने वाले ईमेल का नाम बदल दिया गया है। इन शिकायतों के माध्यम से कुछ चंद ही लोगों को टारगेट करते हुए शिकायत करी जा रही है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये तो वही जानते हैं, लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ईमेल करवाने में NDMC के कर्मचारी ही संदेह के घेरे में आ रहे हैं। अभी हाल ही में मजबूत राजनीतिज्ञ, जिनके नाम का खुलासा हम नहीं करना चाहते, उनकी प्रॉपर्टी कनॉट पैलेस स्थित एक प्रॉपर्टी की भी एक फर्जी शिकायत ईमेल और लिखित रूप से बिना अपना परिचय दिए पालिका चेयरमैन को भेजी गई और पालिका चेयरमैन ने भी शिकायतकर्ता को नाक पहुंचते हुए और न ही शिकायतकर्ता की जांच किए बिना शिकायत पर अमलीजामा पहनते हुए शिकायत को संबंधित विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया। यहां जो भी शिकायत लिखी गई थी लगभग वो भी झूठी पाई गई, जिसके कारण कर्मचारी और प्रॉपर्टी की देखरेख करने वालों को अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ी। सवाल ये है कि पालिका परिषद के चेयरमैन आखिर क्या ढूंढना चाहते हैं, जबकि हर बार की शिकायतों में सच नाम की चीज कहीं भी दिखाई नहीं देती। चेयरमैन को सोचना चाहिए इन फर्जी शिकायतों पर अमल करके वो क्या हासिल कर रहे हैं। हम बताएंगे कौन है कनॉट पैलेस स्थित प्रॉपर्टी का मालिक, जिसके खिलाफ भेजी गई फर्जी शिकायतों पर चेयरमैन ने बिना सोचे समझे जांच कराई, जिसमें वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। सूत्रों के मुताबिक वो मजबूत राजनीतिज्ञ अपने लेवल पे भेजी गई झूठी शिकायतों की जांच अपने स्तर पर करा रहे हैं और शिकायतकर्ता के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 81 नेटवर्क।